वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहे और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स 18 मई 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स पार्ट टू। इसका पार्ट वन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा 17 मई के भी दो पार्ट्स मैं चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे। वो एमसीक्यूज़ और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके पेपर में। इंशाल्लाह अगर कुछ और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आ गए तो वो भी इसका पार्ट थ्री कल तक अपलोड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो पर कंसंट्रेट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी एमसीक्यूज आपका मिस ना हो। तो चलो अपने आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, वेयर इज मंचर लेक। मंचर लेक कहाँ पर वाकया है? आंसर है हमारे पास दादू। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ है पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स का, और इसमें भी आ चुका है, मतलब आपके भी टेस्ट में आने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? आंसर है हमारे पास ह्यूमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, 10% ऑफ 80। 80 का 10% मालूम करना इजी सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। पिछली वीडियोस में भी आपको तरीका बता चुका हूँ। 0 को 0 से कैंसिल कर दे, 8 को मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का एंटोनिम पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर है वो है टेम एंड कल्टिवेटेड। तो इन दोनों में से जो भी आपके टेस्ट में ऑप्शन गिवन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ बिलारस। बिलारस का कैपिटल पूछा गया है, आंसर है हमारे पास मिन्स्क। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नमाज़े कसूब इस ऑपर फॉर डैश। नमाज़े कसूब किस लिए पढ़ी जाती है? आंसर है हमारे पास सोलर एक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर है हमारे पास न्यूयॉर्क, यानी कि यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कैपिटल सिटी ऑफ चिली। चिली की कैपिटल सिटी कौन सी है? आंसर है हमारे पास सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इसमें से हमने एक वर्ड को अरेंज करना है। नंबर्स को देखते हैं, 18, 5, 19 एंड 20। अब ये जब सीरीज़ का क्वेश्चन बच्चे देख लेते हैं तो उनका माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है और वो सोचते हैं कि इसका करना क्या है। तो इसका जवाब आपके क्वेश्चन में ही है। आप देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़े तो बोला गया कि राइट द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, डिजिट दी गए हैं, इनमें से हमने एक वर्ड तैयार करना है। अब अल्फाबेट्स में अगर आप लोग देखें, 18वें नंबर पर आर आता है, 5वें नंबर पे ई आता है, 19वें नंबर पे एस आता है और 20वें नंबर पे बी टी आता है। आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो इससे हमारा जो वर्ड बना है वो है रेस्ट, आर ई एस टी। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताता जाऊं तो अल्फाबेट्स में 18वें नंबर पे कौन सा आता है? आर। 5वें नंबर पे ई, 19वें नंबर पे एस, 20वें नंबर पे टी। तो ये वर्ड जब हम अरेंज करेंगे तो इससे हमारा सीक्वेंस के साथ, तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो होगा रेस्ट। इसी तरह आपके सामने कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। और आप लोगों को बताता चलूँ, इंटेलिजेंस पोर्शन में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि टाइम काम भी कम होता है और एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लॉन्गेस्ट आयात ऑफ द होली कुरान। होली कुरान की सबसे बड़ी आयात कौन सी है? आंसर है हमारे पास आयातुल कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आंसर है हमारे पास आर्कटिक ओशन।
इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल बना दी थी, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से एक वीडियो है जिसमें मैंने इन तमाम क्वेश्चंस के नाम भी लिखे हैं, नंबर वाइज इनको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप मेरे चैनल पर अभी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, OIC फॉर्म्ड इन, OIC कब बना था? आंसर है हमारे पास 1969। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, PIA स्टैंड्स फॉर, PIA की एब्रिवेशन पूछी गई है, आंसर है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी पूछी गई है, आंसर है हमारे पास रबल। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में रशिया का कैपिटल पूछा गया था, आई थिंक, तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि रशिया का कैपिटल और करेंसी कई बार पूछा जा चुका है और पूछने के चांसेस भी है आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, गज़वे बदर फॉक्ट इन डैश, गज़वे बदर कब लड़ी गई थी? आंसर है हमारे पास 2 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपेनियन यानी कि साथी कौन था? आंसर है हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ ज़ेस्ट, ज़ेस्ट का सिनोनिम पूछा गया है, आंसर है हमारे पास एंथुसियाज़म, रेलिश एंड गस्टो, इन तीनों में से जो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का नाम एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम का मतलब होता है बेसिकली ऑपोजिट वर्ड, तो जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ करना, इंसाफ का उलट होगा नाइंसाफी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा इन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन डैश, फतेह मक्का कब हुई थी? आंसर है हमारे पास 8 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने गौर से देखना है। पहले आपको क्वेश्चन रीड करा दूं, उसके बाद वर्किंग की तरफ चलते हैं। अली इज़ 5 ईयर ओल्ड, अली की उम्र 5 साल है, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम, उसकी जो बहन की एज है वो उससे 3 गुना बड़ी है, वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर वेन अली विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन की एज कितनी होगी जब अली 10 साल का होगा। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो है 20 ईयर्स। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि जब अली जब 5 साल का था तो उसकी बहन की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी, तो सिंपली हम देंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके अलावा नीचे अगर गौर, अब अगर देखा जाए तो अलुली की एज जब 10 साल की होगी तो उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी, यानी कि जब अली 5 साल का था तो उसकी बहन की एज थी 15 साल, अब अली 10 साल का हुआ है तो उसकी बहन की एज कितनी थी, 15 साल में हम 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, 20 हमारी उसकी सिस्टर की एज आ जाएगी। हुआ यू है कि अली इज़ 5 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम, यानी कि अली 5 साल का था, उसकी बहन 15 साल की थी, वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर वेन अली इज़ 10 ईयर ओल्ड, यानी कि 5 साल बाद उसकी बहन की एज कितनी होगी जब अली जो है वो 10 साल का होगा, तो हमारा जो आंसर है वो है 20 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 5 + 6/6, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपली 6 को सिर्फ से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, आंसर में 5 को प्लस कर देंगे 1 के साथ तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, 4x + 6 = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब हमें एक इक्वेशन दी गई है इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 4x + 6 = 1, 4x 6 उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा तो 1 - 6 आ जाएगा तो -5 बच गया, x = -5/4, ये 4x जो था x इधर ही रह गया, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/4। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, 50% ऑफ 50,
हमारा जो आंसर है वो है 25। कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि परसेंटेज का जो क्वेश्चन होगा उसको ज़रा मेथड्स के साथ, दोनों आप जो मेथड्स बताते हैं उनके साथ एक बार रिटर्न फॉर्म में हमें चाहिए। तो मेथड नंबर 1 है हमारे पास जो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा मेथड है। 50% ऑफ 50 0 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि फार्मूले का मेथड है। 50% है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा। 100 के दो जीरो 50 के जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अभी कुछ मिनट पहले किसी बच्चे ने हम पूछा था कि एकेडमिक टेस्ट में कितने नंबर्स वाला पास होता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन जो अप्रोक्स गेस लगा सकता हूँ वो यही होता है कि 50% वाला पास होता है। यानी कि आपके 50 MCQs आते हैं एकेडमिक टेस्ट में, उसमें से अगर आपके 25 से अबव MCQs करेक्ट है तो आपका टेस्ट पास हो सकता है। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि 25 से 30 के दरमियान आप ऐसे MCQs करें जो आपके बिल्कुल सही हों। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका टेस्ट आराम से पास हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 भी अगर बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए तो आपके साथ कल तक ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके क्लियर कराए जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू गाइस।